नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर एक किचन बना हुआ है। तो चलिए आज के इस वीडियो में हम आपको यह किचन माप कर दिखाते हैं कि इस किचन रूम की लंबाई चौड़ाई क्या है। और इसके साथ साथ यहाँ पे आप देख सकते हैं कि किचन रूम में दो प्लेटफॉर्म बने हुए हैं, इन प्लेटफॉर्म की चौड़ाई क्या है, इस वीडियो में हम आपको माप कर दिखाएंगे। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। वीडियो की शुरुआत करने से पहले आप सभी से बस छोटी सी रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ वीडियो को लाइक कर लीजिए, और यदि आप इस चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, जिससे आगे आने वाली अच्छी अच्छी वीडियो की नोटिफिकेशन आप सभी को मिलती रहे। तो सबसे पहले यदि हम किचन रूम की लंबाई की बात करें तो आप देख सकते हैं कि लंबाई की डायरेक्शन में हमने टेप लगा दिया है। अब चलिए दिखाते हैं कि किचन रूम की लंबाई कितनी है। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर किचन रूम की जो लंबाई है वो 8 फीट 4 इंच रखी गई है। किचन की लंबाई के बाद नेक्स्ट यदि हम किचन की चौड़ाई की बात करें तो चलिए अब हम किचन की चौड़ाई की डायरेक्शन में टेप लगा कर देखते हैं कि यहाँ पर किचन की चौड़ाई कितनी रखी गई है। तो आप देख सकते हैं कि किचन की चौड़ाई की डायरेक्शन में हमने टेप लगा दिया है। अब चलिए आपको दिखा देते हैं कि यहाँ पर चौड़ाई कितनी है। तो आप यहाँ पर ध्यान से चौड़ाई देख सकते हैं कि 9 फीट 9 इंच है। तो किचन की लंबाई चौड़ाई के बाद नेक्स्ट आप देख सकते हैं कि किचन में कुछ इस तरीके से प्लेटफॉर्म बनाया जाता है, जो कि गैस चूल्हा और इसके साथ साथ किचन में उपयोग होने वाले सामानों को रखने के लिए बहुत ही ज़रूरी होता है। तो यदि हम इस प्लेटफॉर्म की लंबाई की बात करें तो आप देख सकते हैं कि किचन की दो दीवार की पूरी लंबाई में बनाया गया है। आप यहां पे देख सकते हैं कि प्लेटफॉर्म इधर से शुरू होते हुए सेकेंड दीवार की इंड तक जाता है। तो आपको मिनिमम दो दीवार में इस प्लेटफॉर्म को बनाना चाहिए। तो किचन बनाते समय इस बात को नोट कर लीजिए कि किचन में इस तरीके का जो प्लेटफॉर्म बनता है, इस प्लेटफॉर्म को आप मिनिमम दो दीवार की लंबाई में बनाएंगे। अब चलिए इस प्लेटफॉर्म की हम चौड़ाई माप लेते हैं। आप देख सकते हैं कि प्लेटफॉर्म की चौड़ाई की डायरेक्शन में हमने टेप लगा दिया है। अब चलिए देख लेते हैं कि चौड़ाई यहाँ पर कितनी है। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर प्लेटफॉर्म की चौड़ाई 2 फीट रखी गई है। तो यदि आप किचन बनाने की सोच रहे हैं या फिर बनाने वाले हैं तो इस प्लेटफॉर्म की जो चौड़ाई है वो आपको 2 फीट रखनी चाहिए। तो इस बात को नोट कर लीजिए कि किचन में कुछ इस तरीके से जो प्लेटफॉर्म बनता है इसकी चौड़ाई 2 फीट रखी जाती है। और यदि हम प्लेटफॉर्म की मोटाई की बात करें तो 2 इंच की कंक्रीट ढलाई यहाँ पर की गई है। और आप यहाँ पर देख सकते हैं कि इस प्लेटफॉर्म के ऊपर एक छोटा प्लेटफॉर्म बनाया गया है। तो यदि आप भी किचन बनाते समय प्लेटफॉर्म के ऊपर एक छोटा प्लेटफॉर्म बनाने की सोच रहे हैं तो इन दोनों के बीच की दूरी कितनी रखनी है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो चलिए हम आपको माप कर दिखा देते हैं कि आपको दो प्लेटफॉर्म के बीच की दूरी कितनी रखनी चाहिए। तो आप देख सकते हैं कि हमने यहाँ पर टेप लगा दिया है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि दोनों प्लेटफॉर्म के बीच की दूरी जो है वो 2 फीट 3.5 इंच है। तो आपको भी 2 फीट 3 इंच 2 फीट 5 इंच के बीच दूरी रखनी है। और ऊपर वाले छोटे प्लेटफॉर्म की यदि हम चौड़ाई की बात करें तो चलिए इसकी चौड़ाई भी हम माप लेते हैं। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर चौड़ाई की डायरेक्शन में टेप लग चुका है और छोटे प्लेटफॉर्म की जो चौड़ाई है वो 1 फीट रखी गई है। सो अभी के लिए बस इतना ही। अपना ख्याल रखिए और अपने मम्मी पापा का अपने से भी ज़्यादा ख्याल रखिए। इसी भाव के साथ आप सभी से विदा लेते हैं। धन्यवाद।